हमारा भाई जो है तो वहाँ पर काम करता था और काम करने के जो 2-3 महीने से काम करता था। कल हम लोग का अचानक एक बैग जो मालूम हुआ कि जो कि ऐसा ऐसा हाल हो गया। आने के बाद यहाँ पे ये मालूम चला कि पॉइजन की मैटर है जो कि जहर दिया गया है। अब वहाँ जो कि उसके साथ 2 लोग और थे, उन लोगों के साथ भी यही घटना घटी है, बताया जा रहा है सही कि उन लोगों के साथ भी पॉइजन है। हाँ, लोगों की मौत हो गई है। तीन लोगों की मौत हो गई है, इसमें 2 लोग की जो उनकी मट्टी यहाँ, 1 लोग की बनारस में गई थी। हाँ, अब उसके बीच दौरान में जो तो कहाँ से कैसे हुआ ये तो जानकारी नहीं, मगर ये तो जो तो कि मालूम हो सकता है कि जो परिवार को मालूम होना चाहिए कि हाँ ये जहर कौन दिया, कैसे दिया गया। उसकी पत्नी से बात हुआ, क्या कुछ बता पा रही हैं? नहीं, वो नहीं कुछ बता पा रही है। करे कि 6 बजे सुबह से निकले, शाम तक आए नहीं, न वो किसी को, उसके बाद भी उसके बीच में किसी को फ़ोन भी नहीं किया कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। हम लोग को डायरेक्ट दूसरे से मालूम हुआ कि नहीं ऐसा ऐसा बात है, घटना घट गया। तो देखने में ऐसे भी लग रहा है कि नहीं हत्या किया गया जहर दे के। अब हम लोग क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहेंगे पुलिस से कि इसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी करे, जो कि हकीकत क्या है इसकी जानकारी दे। सोनू यादव के मोबाइल पर कहीं से फ़ोन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि किसी की तबीयत खराब है या एक्सीडेंट हो गया है। वो पत्नी से 500 रुपये लेता है और चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद सोनू यादव ने अपने पड़ोसी गुड्डू पांडे को फ़ोन किया कि उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसके घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर सिंघीताली नेशनल हाईवे 2 पर सड़क के किनारे उसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिलती है और बगल में ज़मीन पर लेटा हुआ मिलता है जिसके मुंह से झाग निकल रहा था। और उसकी पत्नी और उसका दोस्त उसको सरकारी एम्बुलेंस से बनारस ले जाते हैं इलाज के लिए, जहां वो मृत घोषित हो जाता है। लगभग इसी समय के आसपास चकिया चौराहे पर 2 अज्ञात व्यक्तियों के मुँह से झाग निकलते हुए बेहोश होने की जानकारी पर पुलिस पहुँचती है जो वहाँ ड्यूटी पर थी, और उनको जिला अस्पताल में ले आती है जहाँ पे उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से ये तीनों लोग संदिग्ध परिस्थितियों में, डॉक्टर का कहना था कि ये कीटनाशक के इस्तेमाल की संभावना है जिससे इनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और तीनों के मोबाइल के CDR के एनालिसिस से इस प्रकरण में आगे की जानकारी मिलने की संभावना है। ऐसी आशंका कतिपय लोगों द्वारा व्यक्त की गई कि अजय गौड़ का पत्नी से जो विवाद हुआ था उसके पीछे भी कोई कारण हो सकता है और उसको लेकर के उसने स्वयं कीटनाशक खा लिया हो और अपने दोस्तों को खिला दिया हो। यह एक आशंका है जिसको ध्यान में रख करके हमारी टीम काम कर रही है।